मुख्यमंत्री आपको अलग अलग झांसे देंगे और प्रधानमंत्री जी को भी ला सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि खेमसर का चुनाव इतना बड़ा है, खेमसर की आम जनता चुनाव लड़ रही है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि जो भी मंत्री आएंगे उनको आप वापस नहीं पकड़ पाएंगे, आपके बीच आएंगे जिनको, लेकिन हमारे बीच में जो भी यहाँ इस जाजम पे बैठे हैं आप लोग हैं, यहाँ का हर बच्चा, हर जो आदमी है, औरत है, सब भाई बहन, सब आरएलपी के कार्यकर्ता है, सब आरएलपी की मजबूत टीम है और नीम के पत्थर है। इसलिए आपको मजबूती रखनी है और आरएलपी को आज ये जो सीट जीतेगी खेमसर की, तो उसमें आरएलपी की अगर भूमिका नहीं रही, अगर भागीदारी नहीं रही विधानसभा के अंदर, तो कोई भी बोलने वाला नहीं रहेगा। वहां पे पक्ष के लोग बैठेंगे और जो विपक्ष है वो बिल्कुल चुप है, क्योंकि उनके पिछले काले कारनामे छुपाने के लिए उनको चुप रहना पड़ेगा। उनके ऊपर भी दबाव आएगा, मंत्रियों का, मुख्यमंत्री जी का, जांच खुल जाएगी। अपने आरएलपी में तो किसी की जांच नहीं खुलेगी, आपके सामने बैठे हैं, अगर एक दिन भी, चाहे वो एमपी साहब हो, चाहे वो एमएलए साहब हो, अगर किसी के ऊपर भी, अगर दोनों में से किसी के ऊपर भी काला दाग लगा हो तो आप बता सकते हैं। इसलिए मैं आपको इतना ही निवेदन करने आई हूँ कि जहां भी विकास की आवश्यकता होगी हम आगे, और जहां भी आपको बीच में किसी भी संघर्ष में हमारी आवश्यकता पड़ेगी, पहले दो लोग आपके बीच में थे, वैसे तो ये पूरी टीम ही आपके बीच में है, लेकिन तीसरी मैं भी, जहां भी महिला शक्ति को भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो मैं आपके बीच में हम हाजिर होंगे।